9000 करोड़ से अधिक लोन घोटाले मामले में भगोड़ा साबित हो गए विजय माल्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित कर दिया है, जिसकी वजह से विजय माल्या की मुसीबतें और बढ़ गई हैं तथा उसे तगड़ा झटका लगा है। इस मामले में भगोड़े विजय माल्या पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने 40 मिलियन अमेरिकन डॉलर अपने बेटे सिद्धार्थ, बेटी लीना तथा तान्या माल्या को ट्रांसफर कर दिए हैं, जो कि कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। आपको बता दें कि विजय माल्या जो कि यूनाइटेड किंगडम भाग गया है, उसे भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है और यूके की सरकार ने उसे भारत को सौंपने की अनुमति भी दे दी है। लेकिन बताया जा रहा है कि यूके में ही विजय माल्या के खिलाफ कुछ केसेस पेंडिंग है, जिसकी वजह से उसे भारत लाने में देरी हो रही है और वो लंबित मामले क्या है उसके बारे में भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं है। खैर, लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या की अनुपस्थिति में ही उसके खिलाफ आदेश पारित कर दिया है, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि न्यायालय की महिमा को बरकरार रखने के लिए ऐसे दोषी को गंभीर सजा देना आवश्यक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को कंटेम्प्ट का दोषी करार देकर उसे 4 महीने की कैद की सजा सुना दी तथा 4 हफ्ते के अंदर 8% ब्याज के साथ वो 40 मिलियन डॉलर को जमा करने का निर्देश दे डाला। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि उसके द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो इस निर्धारित समयावधि के पूरा होने के बाद उसकी संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी कानून से संबंधित जानकारी के लिए तथा लेटेस्ट जजमेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।